नमस्कार, आप देसी बिहार देख रहे हैं। कल बुधवार को एक काला दिन रहा मनीष कश्यप के लिए, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने मनीष कश्यप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने पटना हाई कोर्ट में एक याचिका जारी की थी कि बहुत जल्द मनीष कश्यप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए, और पटना हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। उसके बाद बिहार पुलिस के ट्विटर हैंडल पर आप सारे ट्वीट देख सकते हैं, किस तरह से उन्होंने सारा लब्बो लबाब इस ट्विटर हैंडल के माध्यम से डाल दिया गया है। आप देख सकते हैं, पहला ट्वीट देखिए, तमिलनाडु में कामकाजी बिहार के निवासी के लिए भ्रामक वीडियो को प्रकाशित करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई। आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 03/23 प्राथमिक अभियुक्त मनीष कश्यप एवं युवराज सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया गया, यानी पटना पुलिस को गिरफ्तारी वारंट मिल गया है। और उसके बाद तीसरा ट्वीट पे जब आते हैं तो मनीष कश्यप के सारे खाते की जानकारी दिया गया है, और कुल मिला के 42,11,937 रुपए बताया जा रहा है उनके तमाम अकाउंटों को। अगर आप जोड़ लेते हैं, आप सशक्त फाउंडेशन ले लीजिए या उसके पर्सनल अकाउंट को ले लीजिए, SBI ले लीजिए, IDFC बैंक का लीजिए, सारे का जिक्र किया गया है। उसके बाद इनका कहना है कि मनीष कश्यप का वित्तीय घोटाला भी, यानी कि पैसे की सही जानकारी में भी उनको कुछ गड़बड़ मिला है। ये तो रहा पुलिस का बात, मगर जिस तरह से मनीष कश्यप के फर्जी अकाउंट से ट्वीट किया गया था उसके बारे में भी पुलिस ने सारी जानकारी दी है। वह फर्जी अकाउंट जिससे 2-3 दिन पहले एक ट्वीट किया गया था, जिसमें बोला गया था कि मनीष कश्यप, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उस ट्वीट को किस तरह से बोला गया था कि हमें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद तुरंत मनीष कश्यप पर एक और FIR किया जाता है। मगर बिहार पुलिस ने बहुत जल्द कार्रवाई किया और उस लड़के को जिसने ये फर्जी ट्वीट किया था, बिहार पुलिस ने उसे तुरंत धर दबोचा है। आप देख सकते हैं किस तरह से बिहार पुलिस एक्टिव होके उस लड़के को पकड़ा। हम देख सकते हैं उस लड़के का नाम प्रशांत है और वह जिला बक्सर का रहने वाला है। उसे पटना में शास्त्री नगर थाने के शिवपुरी इलाके के गणेश पथ रोड नंबर 1 से गिरफ्तार किया गया। तो ये तो पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की कि जो जिसने फर्जी मनीष कश्यप के नाम से जो फर्जी अकाउंट बनाया था, अब उस लड़के को पकड़ लिया गया। और दूसरी तरफ अब धरपकड़ के लिए एक टीम बनाई गई है। अब हमें ये लगता है कि मनीष कश्यप बहुत जल्द सरेंडर करेंगे, क्या करेंगे वो तो वक्त बताएगा। हमारी नज़र इस खबर पर बनी हुई है। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है, जो हुआ है, क्या ये सही है या गलत है? क्या आप लोग मनीष कश्यप के साथ हैं या मनीष कश्यप के साथ नहीं? आप लोग कमेंट करके खुल के अपनी बातों को रखें इस वीडियो के नीचे, जरूर कमेंट करके बताएं आखिर मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है, क्या मनीष कश्यप को राजनीति साजिश के तहत फंसाया गया, क्या मनीष कश्यप से कोई द्वेष का भावना है, आखिर मनीष कश्यप के ऊपर ही सारा फोकस क्यों किया गया? क्योंकि खबरें ने तो तमाम मीडिया चलाई थी, बहुत सारे मीडिया का अपना नाम गिनते गिनते थक जाइएगा, इतने तमाम मीडिया है जिन्होंने इस खबर को प्रकाशित किया था, मगर कटघरे में सिर्फ मनीष कश्यप ही क्यों? वैसे और अखबार क्यों नहीं कटघरे में है जिन्होंने इस खबर को प्रमुखता से अपने हेडलाइंस में जगह दिया था? क्या अखबार वाले पे कार्रवाई नहीं हो सकती है? जब कानून सबके लिए बराबर है, कानून जब गरीब अमीर बड़ा छोटा नहीं देखता है, तो फिर कानून के तहत उन अखबारों पे कार्रवाई क्यों नहीं किया गया जिसने भी इस खबर को अपने पेपर पे जगह देकर इस खबर को प्रकाशित किया था? क्या अखबार से बिहार का माहौल खराब नहीं हुआ? क्या बिहार के लोगों के अंदर मन विचलित नहीं हुआ कि जो हिंदू भाषी लोग तमिलनाडु में खट रहे हैं, क्या उसके परिवार के अंदर दहशत नहीं फैला? क्या सारा माजरा, सारा ठीका सिर्फ मनीष कश्यप के पास था? मनीष कश्यप को आप लोगों ने खुद इतना बड़ा बना दिया है, क्या लग रहा है? आप लोग कमेंट करके बोलिए। ज्यादा कुछ बोलने के चक्कर में क्या पता कुछ भी हो सकता है। जब पत्रकार जब बिहार में असुरक्षित है तो ज्यादा कुछ बोलने से बेहतर है कि आप लोग कमेंट करके अपनी बातों को रखें और मुखरता से रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद।